नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिना जांच किए कर दिया डेंगू का इलाज, निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने भेजा नोटिस, लगाया जुर्माना। राजधानी में इन दिनों डेंगू का प्रकोप है, तो वही इसका फायदा उठाने में निजी अस्पताल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी नोटिस कह रहा है। विभाग ने इन अस्पतालों को गलत उपचार को लेकर नोटिस जारी करने के साथ है जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अलग अलग निजी अस्पतालों में अब तक डेंगू के इलाज के दौरान 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरीजों की मौत के बाद अस्पताल ने डेंगू से मौत की पुष्टि करते हुए सर्टिफिकेट भी दिया है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को डेंगू से नहीं मान रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि मौत की जो बात सामने आई है उसे डेंगू की वजह से नहीं मानते हैं, क्योंकि इन मरीजों का एलाइजा टेस्ट नहीं किया गया है। इस टेस्ट से ही डेंगू की पुष्टि होती है। निजी अस्पतालों की इस बड़ी लापरवाही पर डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इसके लिए संबंधित निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। 2 अस्पतालों पर 5,000 जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुरूप कार्रवाई की जाती है, नियम से हटकर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या निजी अस्पतालों ने मरीजों को गलत इलाज किया है जिससे उनकी मौत हुई है।